क्रिकेट की चकाचौंध दुनिया से एक और घोटाला निकल कर सामने आया है। यूपी के क्रिकेटर अंशुल राज ने गुरुग्राम सिक्योर कॉरपोरेट मैनेजमेंट के अध्यक्ष आशुतोष बोरा पर सिलेक्शन के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अंशुल बोरा पर हिमाचल प्रदेश अंडर 23 में सीके नायडू टूर्नामेंट के लिए टीम में स्लॉट दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। इस केस में 3 राज्य क्रिकेट संघों के अधिकारी, एक संदिग्ध मैच फिक्सर, दिल्ली क्रिकेट के चयनकर्ताओं के पूर्व संयोजक, आईपीएल के पूर्व खिलाड़ी, एक बंगाल अंडर 19 और एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के संचालक का नाम अभी तक सामने आया है। ये मामला 9 जुलाई को दर्ज कराया गया था।